Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Varshika Singh and I am back with another exciting video. और आज की वीडियो में as you can see I am full glammed up and I am so happy. आज के मेकअप से it looks so gorgeous. I don't know आप agree करोगे कि नहीं, but मुझे आज का मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है without filter वगैरह भी. It looks so flawless and but इस के बारे में हम बात करेंगे इंस्टा पे, जहाँ पे मैं इस लुक का रील डालूंगी. तो फॉलो मी देयर, दैट्स पेक्सी गर्ल है मेरा यूजर नेम. बट अभी ये मेकअप लुक कंप्लीट नहीं है, मैंने सेट वेट सब कर लिया है. बट कुछ दिन से मेरे पास एक चीज़ रखी थी जो मैंने आज से पहले कभी यूज़ नहीं करी है और आई एम रियली नर्वस टू यूज़ इट. तो मैंने सोचा वाई नॉट मेक अ वीडियो, शायद कोई मेरे से रिलेट कर पाए और मेरी गलतियों से सीख पाए. आई होप हो ना वैसे कोई. तो वो बात कर रही हूँ मैं आई लैशेज की. तो मैंने थोड़ा सायरन आई करने की कोशिश करी है बट मुझे लग रहा है ये टाइप का आई लाइनर मेरे पे ज़्यादा सूट कर रहा है रेदर देन दैट वो चंकी वाला. और आज मैंने बहुत टाइम बाद रेड लिप्स कर रहे हैं. रेड लिप्स यूज टू बी माई फेवरेट बट देन आई शिफ्टेड टू न्यूड. सॉरी, बहुत बकबक कर रही हूँ मैं. बट काम की बात करते हैं, तो ये मैंने मार्स से ऑर्डर करी है. उनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी मैं बिगनर हूँ, पहली बार यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अफोर्डेबल चाहिए थी. तो ये सिर्फ 100 रुपीज़ की हैं और ये नंबर 4 है, नेचुरल फ्लटर. आजकल मार्स में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ फेमस हो रहा है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स डाल रहे हैं, तो देखते हैं. इसके साथ ग्लू वगैरह नहीं आती है, तो आई गॉट दैट टू एज माई ग्लू eyelash adhesive. आज मेरे से बोला नहीं जा रहा है, आई एम सो सॉरी. इट इज़ eyelash adhesive. तो इसे भी निकाल लेते हैं. थोड़ा मैंने वो तो पढ़ लिया है कि कैसे करने हैं, थिन लेयर अप्लाई करनी है और डायरेक्ट eyelash पे ग्लू अप्लाई नहीं करनी है, मतलब अपनी eyelash पे नहीं करनी है, फॉल्सीज पे करनी है. और फिर उसे थोड़ा सा 30 सेकेंड्स तक ड्राई होने देना है, जब वो हल्का सा स्टिकी बचे तब अप्लाई करना है. यार मैंने कभी नहीं करी, आई एम सो नर्वस अबाउट दिस. और इसमें तो यही है बस. और ये आई लैशेस बहुत ही सॉफ्ट और प्रिटी हैं. ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैंने पहले कभी नहीं करा है. तो इट लुक्स गॉर्जियस. मुझे नहीं पता कैसा लगेगा ये. ओ ओ ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था ये. मुझे मेरे ख्याल से मुझे इस ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी मैंने हटा रही थी इनकी जगह से, तो ऑलरेडी उस पर एडहेसिव है. एंड इस पर तो लिखा था ये रीयूजेबल भी है अप टू मैनी टाइम्स, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई. हम बिना बात के ग्लू लाए, तो ट्राई करते हैं इसको हटा के लगाने की. एज यू कैन सी ये ऐसे हट रहा है स्टिकर की तरह. एडहेसिव तो है इस पर, बट लगाते कैसे हैं. मैं सीधा लगाने आ गई हूँ, ट्यूटोरियल मैंने देखे नहीं है. बस मैंने रील्स वगैरह पे सब इन्फ्लुएंसर्स को लगाते हुए देखा है और बस आ गए हम भी लगाने. कैसे, चलो रुको ट्राई करते, साथ में ट्राई करते हैं. हंसना नहीं, देखो रुको, गलत लग रहा है. हम थोड़ा ना बाहर की साइड लगाएंगे इसको, पहले इसको थोड़ा मोड़ते हैं. ये बाल तो हटे ना मुंह से, मैं साइड में देख रही हूँ बिकॉज वहां ना मिरर रखा है. गॉर्जियस. सॉरी, मुझे चुप रहना चाहिए 2 सेकंड इसे लगाने के लिए. मुझे लग रहा है ना वो एडहेसिव शायद कुछ काम का नहीं था, शायद उसे बॉक्स में चिपकाने के लिए ही था. आई एम सच अ डम पर्सन. कहाँ लगाते हैं ये, हम ग्लू ही यूज करेंगे. टर्न्स आउट हमसे ना हो पाएगा कुछ. मुझे एक बार इनका ना वीडियो देख लेना चाहिए था, बट चलो ठीक है. ट्राइंग अगेन. तो मैंने बहुत पतली लेयर ग्लू की लगाई है, बहुत पतली लेयर. अभी मैं सूखने का वेट कर रही हूँ. और बताओ गाइस, मुझे टाइम देख लेना चाहिए था.
हाय गाइस, बैकग्राउंड चेंज तो मैंने एक साइड लगा ली है एंड सच्ची अच्छी बताऊँ पहले तो मुझे हंसी आ रही थी अपने आप पे बिकॉज आदत नहीं है, आई नेवर सीन माई सेल्फ लाइक दिस। फिल्टर्स में भी मुझे इतना ऑकवर्ड लगता था, बट अब जब मुझे एक मिनट हो गया है मैंने दोबारा से आपको यहाँ सेट करा तो, और मैंने थोड़ा सा जहाँ पे गैप लग रहा था वहाँ पे आईलाइनर से फिल कर लिया तो आई थिंक इट लुक्स प्रिटी। मैंने मस्कारा वगैरह कुछ नहीं करा है, बस जो हम जो स्पेस लगा मैंने वहाँ आईलाइनर से लगाया बिकॉज अभी आई एम नॉट अ प्रो, ठीक है। तो जस्ट फॉर कंपेरिजन अभी भी ऑब्वियसली मैंने छुपा रखा है, दिस इज द नॉर्मल साइड, नो फिल्टर, दिस इज नथिंग, दिस इज माई ऑल नेचुरल मेकअप, मस्कारा तक नहीं है इस साइड, ठीक है। तो आर यू रेडी? 3, 2, 1। Oh my god, look at this dramatic difference. यहाँ से यू कैन सी, मुझसे अभी पहला बार है तो अच्छे से नहीं लगी है, थोड़ा सा यहाँ से जो उठ रही थी और गैप आ रहा है मैंने यहाँ पे आई लाइनर से थोड़ा फिल इन करने की कोशिश करी है, बट दीज लैशेज आर सो प्रिटी। नेचुरल फ्लटर वो तो मुझे नहीं पता किसकी लैशेज ऐसी नेचुरल होती है, बट अगर आपकी ऐसी है यू आर वेरी लकी। बट अगर मैं जूम करके इतना फ्रीक आउट ना करूँ और दूर से देखूँ, दिस लुक्स सो गॉर्जियस। सो यह थोड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए और मेरी तरह पागल मत बनना, उस एडहेसिव पे मत जाना, आई लैश वाली यूज़ कर लेना, बट जब आप उसे हटाते हो तो उस पर है एडहेसिव यार, ट्रस्ट मी। तो चलो दूसरी साइड भी ट्राई करते हैं, तुम तो उतारना नहीं आता है, कहोगे कैसे चाहे लोग की तरह उतारती है। देखो इस पर ना वाइट वो भी है, थोड़ा सा रेसिड्यू भी है। मैं काफ़ी नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज वाई नॉट, ये मुझे ग्लू लगा लेना चाहिए, हरकतें नहीं करते हैं। तो अगेन बहुत पतली लेयर ग्लू की और मैंने बहुत ज़्यादा निकल दिया है, बट हम गलतियों से ही तो सीखेंगे। ओ गॉड, ये बस लैशेस ख़राब ना हो गई हो मेरी सरकत से, लैशेस पे भी आ गया है और मैंने पैरों पे भी लगा लिया, मैं ऐसे से साफ कर रही हूँ जब से यहाँ पे और मेरे सब चिप 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 हो गया है। तो 30 सेकेंड सूखने देते हैं और बताओ गाइस कैसा लग रही है आपको मेरी एक सजी हुई आँख। यहाँ से थोड़ा हट रहा है यार, ढंग से नहीं लगा, आई नो मुझे कौन सा कहीं जाना था, मैं बस ट्राई कर रही थी, बट यहाँ पे भी देखो आपको दिख रहा है ना वो गैप अभी, क्योंकि अच्छे से स्टिक नहीं हुआ, स्पेसिंग है मुझे अभी लगाने का नहीं समझ आ रहा है थोड़ा, और अभी मैंने फिलिंग भी नहीं करी है इसकी, ना मस्कारा से ना लाइनर से ढंग से। तो अभी बस आपको दिखाने के लिए, अपनी गति से सिखाने के लिए। सो 30 सेकेंड हो गए हैं, ओके दिस वन इज बेटर, दिस वन ओके 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 ओके, वी डिड इट, वी डिड इट, वी डिड इट, ओ माय गॉड वी डिड इट। देख रहे हो उसकी प्लेसमेंट कितनी बेटर है इस वाले से, दूसरे में आपको थोड़ा सा हाथ सेट हो जाता है। अभी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि मेरी आंखों पे कुछ रखा है एंड आई एम जस्ट लाइक हटा दूं, बट कम्प्लीटली ऑनेस्ट इधर देखो कितने अच्छे से प्लेसमेंट हुआ है, कुछ गैप नहीं है, इधर देखो तबाही मची हुई है, बट इधर ओ माय, प्लीज लेट मी नो मैं कैसी लग रही हूँ। आई नो दिस इज अ रियली रियली न्यू लुक फॉर मी और मैं डेली में वैसे भी यूज़ नहीं करूँगी, मुझे लगता नहीं मैं बाहर भी कभी यूज़ करूँ ना करूँ कैसे करूँ बिकॉज आई एम रियली इनसिक्योर, बट डू लेट मी नो, आप लोगों की तो सुनी लूँगी, सो डू लेट मी नो कि कैसा लग रहा है आपको, और कुछ रिव्यू चाहिए मार्स ब्रांड का, मैं और कुछ ट्राई करूँ, मुझे अच्छे लगा यार ये ब्रांड, एक चीज़ ट्राई करें बट अच्छा लगा। सो या दैट्स इट, आई थिंक आई लुक प्रिटी नाउ, आई डोंट नो। Okay, so I will see you next time with an exciting video. Till then, bye bye.